Hello students, today we will discuss about the complete topic wise analysis of group 2 and group 3 subjects. In last lecture we saw the topic wise analysis of group 1 subjects. Group 1 subjects category mein kaun kaun se subjects the? Engineering mechanics, strength of material, theory of machine aur machine design, unki humne टॉपिक वाइज एनालिसिस हमने देखी थी, चैप्टर वाइज एनालिसिस देखी थी और उसमें यह हमने देखा था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. अगर एक तरह से आप देखो तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल टॉपिक, टोटल सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गेट में आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हो, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं वो एनालिसिस हमने देखी थी. आज हम देखते हैं ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स की एनालिसिस. ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट थे अपने? ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स आर, ग्रुप 2nd. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स इन एनी PSUs, any exam, UPSC हो गया, PSUs हो गए, या अगर आप जाते हो ISRO बार के इंटरव्यू में तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि ग्रुप 1 में हमने सब्जेक्ट्स देखे थे, फर्स्ट वन देखा था फ्लूड मैकेनिक्स. ग्रुप 1 का जो ग्रुप 2 का जो सब्जेक्ट है इसकी टोटल एनालिसिस देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे ग्रुप 2 के फर्स्ट सब्जेक्ट में. और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर पॉइंट ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी एग्जाम हो, क्यों ना वो ES का एग्जाम हो, क्यों ना वो SSC JEE हो, क्यों ना वो गेट हो, सब में इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है फ्लूड मैकेनिक्स में. अभी मैं मशीन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली फ्लूड मैकेनिक्स. फ्लूड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट हम करते हैं हाइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. इसमें कंटेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. देन सेकेंड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट. थर्ड चैप्टर इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन डिफरेंट सर्फेसेस. फोर्थ वन चैप्टर इज बायोंसी एंड फ्लोटेशन, buoyancy and flotation. Fifth one is fluid kinematics. Sixth one is dynamic of fluid. Seventh one, flow through pipes. Eighth one is laminar flow. Ninth one is turbulent flow. Tenth one is boundary layer theory. And 11th one is dimensional analysis. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 11. अब देखते हैं कि किस में क्या चीजें हमें स्टडी करनी है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दिस इज बेसिक चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. तो कभी भी बेसिक चैप्टर को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो.
जिसमें टोटल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे आपका हो गया सरफेस टेंशन, फिर आपका हो गया स्टार्टिंग से आते हैं मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन विस्कोसिटी, देन सरफेस टेंशन, देन उसी में पढ़ते हैं कैपिलरिटी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखो तो हम बेसिक चैप्टर में पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ फ्लूड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो इसके लिए आप मतलब कि टाइप्स ऑफ फ्लूड और बेसिक कंसेप्ट अगर आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड से एक दो क्वेश्चन अगर जेई का पेपर देने जाते हो तो वहां पर तो मिल ही जाना है, बट दिस इज द फाउंडेशन चैप्टर ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ फाउंडेशन चैप्टर फॉर द फ्लूड मैकेनिक्स। इन दिस चैप्टर वी विल सी अबाउट द प्रेशर, द स्टेटिक फ्लूड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूड एट एनी गिवन पोजीशन, एनी गिवन हाइट। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में। प्रेशर में देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, गेज प्रेशर क्या होती है, और फिर आप देखते हो वैक्यूम प्रेशर की भी बात आती है, वो सारी चीजें देखेंगे, फिर उसका मेजरमेंट देखेंगे बाय यूजिंग पिजोमीटर, मैनोमीटर के थ्रू जो जो चीजें हैं, पिजोमीटर हो गया जैसे यू ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर्स एंड माइक्रो मैनोमीटर्स, ये टोटल चीजें हम देखते हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में। और इसमें हम पास्कल्स लॉ भी देखते हैं। थर्ड वन, द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑन डिफरेंट सर्फेसेज। हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेज यानी कि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में जब फ्लूड स्टेटिक है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेसेस पे उसके फोर्सेस कितने लग रहे हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल ब्रांच, बिकॉज सिविल ब्रांच वाले कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो उसमें फ्लूड क्या होती है, फ्लूड इज अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक कंडीशन में हमें यह चीज देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि प्रेशर फोर्स, जो स्टैटिक फ्लूड में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर, ठीक है, तो वो प्रेशर के कारण जितना प्रेशर फोर्स लग रहा है किस हाइट पर कितना लग रहा है, एंड दैट प्रेशर फोर्स इज एक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, किस किस में, एक प्लेन सरफेस में देखेंगे, ऑन प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस में तीन कंडीशन आते हैं। प्लेन सरफेसेस में कौन कौन से कंडीशन होंगे, प्लेन सरफेस के कंडीशन में पहला हो जाएगा इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, सेकेंड वन इज वर्टिकल, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिफरेंट कंडीशंस में देखेंगे हम कि अगर प्लेन, अगर सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है तो कितना फोर्स लग रहा है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहां है, वर्टिकल सरफेस है तो उस पर कितना प्रेशर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ प्रेशर कहां लाई कर रहा है, और इंक्लाइंड पर भी देखेंगे। एंड सेकेंड वन इसमें कर्व्ड सरफेस देखेंगे, कर्व्ड सरफेसेस की एनालिसिस करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस में हम देखेंगे कि प्रेशर फोर्स दो कंपोनेंट हो जाते हैं प्रेशर फोर्स के, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों कंपोनेंट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो उन्हें कंस्ट्रक्शन करना होता है तो फोर्सेस की एनालिसिस वो करते हैं। फोर्थ वन इज बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी कंडीशंस ऑफ कंप्लीटली इमर्ज्ड बॉडीज और पार्शियली इमर्ज्ड बॉडीज, इट मींस द फ्लोटिंग बॉडीज। और इसमें स्टार्ट हम करेंगे कहां से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट कर रही है फ्लूड, उस फोर्स की एनालिसिस करते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड अ बायोन्सी फोर्स, और बायोन्सी फोर्स की टोटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोटेशन का कंडीशन। फ्लोटेशन में बताया कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडीज की एनालिसिस करेंगे कि उनकी स्टेबिलिटी किस कंडीशन में होती है, कब सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या पोजिशन होना चाहिए किस कंडीशन में, तो वो टोटल देखेंगे। फिर हम जब पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी यानी फ्लोटिंग बॉडीज के कंडीशन में आएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कंडीशंस में मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट की एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बायोन्सी एंड फ्लोटेशंस में देखेंगे। फिफ्थ वन चैप्टर इज फ्लूड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस व्हाट, इन द काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट ओनली स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम रिलेशनशिप, स्पेस एंड टाइम रिलेशनशिप। यानी कि हम फ्लूड काइनेमेटिक्स में देयर आर टू अप्रोचेस,
in fluid kinematics, one is Lagrangian approach and second one is Eulerian approach. So Lagrangian approach एक पर्टिकुलर फ्लूड पार्टिकल्स पे होता है और आइलरियन अप्रोच एक ग्रुप ऑफ फ्लूड पार्टिकल्स के ऊपर करते हैं. दैट्स व्हाई द सिंपलिसिटी ऑफ आइलरियन अप्रोच, वी विल स्टडी आइलरियन अप्रोच इन आवर सिलेबस. ओके, तो हमें केवल आइलरियन अप्रोच इसमें देखना है. इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, अगर फ्लूड काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन वेरियस टाइप ऑफ लाइन्स लाइक स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, पाथ लाइन. थर्ड वन इज टाइम लाइन, टाइम लाइन. ये इतने तो एक लाइन हम देखते हैं. फिर हम वेलोसिटी की एनालिसिस करते हैं कि वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, फ्लूड एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी है. फिर हम देखते हैं फ्लूड एलिमेंट की वेलोसिटी के बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे. कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आता है मास कंजर्वेशन से. जनरलाइज भी देखेंगे और वन डायमेंशन में भी देखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मास एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप लोगों को मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला यूज करना आ गया और एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला यूज करना आ गया, तो आप सेकेंड ग्रुप टू के लगभग मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द मास कंजर्वेशन फॉर्मूला एंड एनर्जी कंजर्वेशन. बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना जिन्हें आ गया वो ग्रुप टू के सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली. कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद यहां पर देखेंगे एक्सेलरेशन, फ्लूड एलिमेंट का एक्सेलरेशन देखेंगे, टोटल मैथमेटिक्स, टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन. ओके, एक्सेलरेशन के बाद हम देखेंगे पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, फिर डिस्चार्ज वगैरह हम देखेंगे. तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. यहां से गेट में ऑलवेज एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आना ही आना है यहां से. देन मूव करते हैं डायनेमिक ऑफ फ्लूड. डायनेमिक ऑफ फ्लूड में हम सबसे पहले देखते हैं आइलर्स इक्वेशन. आइलर्स इक्वेशन के बाद बर्नौलीज इक्वेशन, आइलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन. द एक्सटेंशन ऑफ आइलर इज बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन के बाद इसमें हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन जिसमें आप पढ़ते हो वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पीटो ट्यूब, पाइप्स इन बेंड्स. तो बेंड इन पाइप्स, ये तीन चार पांच कंडीशंस जो आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन का एजम्पशन से लेके एप्लीकेशन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये भी गेट पॉइंट ऑफ व्यू और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बता रहा हूं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, फ्लूड काइनेमेटिक्स से, देन डायनेमिक ऑफ फ्लूड से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है. और मिलता ही है, जनरली मिलता ही है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से भी एक क्वेश्चन मिलेगा. देन मूव करते हैं हम लोग फ्लोथ्रो पाइप्स. फ्लोथ्रो पाइप्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, फ्लोथ्रो पाइप्स में हम पढ़ते हैं मेजर लॉसेस, पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल, देन HGL, TEL, टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस. तो वो टोटल चीजें हम कहां देखेंगे, यहां देखेंगे फ्लोथ्रो पाइप्स में. ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन लेमिनार फ्लो में विस्कस फ्लो की बात हम करते हैं, उसकी टोटल एनालिसिस करेंगे पाइप में, फ्लोथ्रो पाइप्स एंड फ्लो ऑन प्लेट्स. देखिए एक दो चीजें और मैं बताता हूं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर एंड डायमेंशनल एनालिसिस. दिस फोर चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट ट्रांसफर. हम लोग जब कन्वेक्शन पोर्शन की स्टडी करेंगे तो कन्वेक्शन पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग इसी की स्टडी करते हैं. सबसे स्टार्टिंग में स्टडी हम इन्हीं की करते हैं, बेसिक ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स, डायमेंशनल एनालिसिस. जहां पे वहां पे हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, जब बकिंगम पाई थ्योरम से हम वहां पर नसल्ट नंबर, प्रांडल नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर वहां पे निकालेंगे. देन बाउंड्री लेयर थ्योरी, वहां पर कन्वेक्शन, टोटल जो फोर्स्ड कन्वेक्शन हम देखेंगे, फ्लो ऑन फ्लैट प्लेट्स, फ्लो इन पाइप्स.
वो टोटल चीजें वहां पर देखेंगे, और लेमिनार और टर्बुलेंट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से लेमिनार, टर्बुलेंट एंड बाउंड्री लेयर ये चारों चैप्टर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉट ओनली फॉर हीट ट्रांसफर एप्लीकेशंस. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट. ओके, तो यहां से भी एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही. अब हम देखेंगे सेकंड ग्रुप टू के सेकंड सब्जेक्ट टू थर्मोडायनेमिक्स. सब्जेक्ट टू इज थर्मोडायनेमिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर any examination or interview point of view. Very important subject for gate point of view as well as any examination point of view. This is basic subject. और interview में तो इससे इतने question बनते हैं, और ये पूरी तरह से एक physical subject है, इसे आप प्रैक्टिस से रट नहीं सकते हो. ये सब्जेक्ट अगर आपने फील करना स्टार्ट कर दिया तो फिर इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बन सकती है. इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है. पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज. फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे टोटल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे. तो बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम चीजें देखेंगे एकदम बेसिक, जो आप लोगों ने 11th 12th में जो चीजें आपने देखी हैं वो चीजें हम देखते जाएंगे. जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, सराउंडिंग बाउंड्री एक्सेट्रा बाउंड्री, देन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे टोटल, जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, उनकी एनालिसिस करेंगे. फिर हम देखेंगे हर एक चैप्टर में प्योर सब्सटेंस क्या होती है, आइडियल गैसेस के एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस को आइडियल गैसेस कहते हैं, मतलब हर एक चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हम देखेंगे हर एक चैप्टर की. उसके बाद इसी में हम देखेंगे गिब्स फेज रूल, फिर प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्टम स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या प्रोसेस क्या होता है, पाथ क्या होती है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करेंगे. सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, सेकंड चैप्टर अपनी हो जाएगी एनर्जी एनर्जी इंट्रैक्शन. टोटल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंटरनल एनर्जी, देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज, माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज एंड मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में हम जो जनरली पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, केमिकल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन इंटरनल एनर्जी. तो उसमें हम चीजों को देखेंगे, इंटरनल एनर्जी हो गई, और फिर थर्मोडायनेमिक वर्क हीट के बारे में देखेंगे. देयर अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी इन ट्रांजिट. तो स्टोर्ड एनर्जी इज लाइक इंटरनल एनर्जी, एंड इन एनर्जी इन ट्रांजिट आर टू टाइप्स, वर्क एंड हीट. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पर देखेंगे एनर्जी एनर्जी इंट्रैक्शन में. थर्मोडायनेमिक के डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स देखेंगे, और जो हम यहां फर्स्ट चैप्टर में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग और एजम्पशंस करके हम यहां पर एनर्जी की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. ओके, तो यहां पर एनर्जी में हम लोग हीट देखेंगे, वर्क देखेंगे, फिर इंटरनल एनर्जी की बात हम करेंगे. ये टोटल चीजें हम एनालाइज यहां पर करेंगे. फिर स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, सीपी और सीवी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन की बातें करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वगैरह देखेंगे, कैसे सीपी और सीवी वेरी करता है. ओके, गामा, सीपी, सीवी और गामा के रिलेशन को भी देखेंगे. थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये तभी समझ में आएगा जब आप इन पहले दो चैप्टर्स को फिल करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ पाओगे. हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड को, हम क्या कहते हैं, इट कैन चेंज. फर्स्ट लॉ ऑफ हम लोग जो शुरू से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज देयर फॉर्म, इट कैन चेंज देयर फॉर्म ओनली. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज हो सकती है, नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो वो तो आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फील करना टोटल, अगर इसको फील कर गए, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन. अगर आप, मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, वहां पे भी मैंने बोला कि मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को अगर आप यूज करना सीख गए, तो ग्रुप टू के सारे सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स. बहुत ही आसान लगने लगते हैं, लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन को फील करना पड़ता है. अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन को फील करने लग गए, एनर्जी को फील करने लग गए कि किस टाइप की एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग में कैसा इंटरेक्शन दिख रहा है, तो फिर आप कंजर्व करना भी सीख जाओगे. और जिस दिन एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग सीख गए, उस दिन थर्मोडायनेमिक्स 50% कंप्लीट हो जाती है. एनर्जी कंजर्वेशन इसमें देखेंगे फॉर डिफरेंट क्लोज्ड सिस्टम एज वेल एज फॉर ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम नॉट फॉर, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम एनालिसिस टोटल देखेंगे, फिर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अनस्टेडी कंडीशंस में देखेंगे ओपन सिस्टम में. तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कवर करेंगे. फोर्थ चैप्टर इसमें जो आता है, फोर्थ चैप्टर इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप प्रोसेस के लिए क्या निकालते हो. अगर आप लोगों ने कभी थर्मोडायनेमिक्स पर थोड़ा सा भी पढ़ा हो, तो आप लोगों को पता होगा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू. ये चीज आप फाइंड करते हो फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर द प्रोसेस. दिस इज फॉर अ प्रोसेस व्हेन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, देन डी इज इक्वल टू डी यू. वो सारी चीजें वहां पर देखेंगे. तो ये फर्स्ट लॉ से एप्लीकेशन आता है. क्या आता है फर्स्ट लॉ से, ये फॉर प्रोसेस, दिस इक्वेशन इज फॉर प्रोसेस. वैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम देखेंगे, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. तो क्लॉसियस स्टेटमेंट से रेफ्रिजरेशन बनता है, रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट आता है और हीट पंप का, और आपके केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से हीट इंजन का कंसेप्ट आता है. फिर उसमें हम वेरियस टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स देखेंगे. फिर इनके इससे जो आता है एंट्रोपी, एंट्रोपी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो देखेंगे, दिस देख लेते हैं एंट्रोपी को, हम फिफ्थ चैप्टर लेते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी को अलग से मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज प्योरली फिजिकल सब्जेक्ट. अगर आप इसे फील कर गए, इस सब्जेक्ट को फील कर गए, तो आपके किसी भी एग्जाम में दो क्वेश्चन फिक्स हैं, और एक क्वेश्चन तो हमेशा गेट एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है इस चैप्टर से, एंट्रोपी. और फिर जब एंट्रोपी के बाद हम आगे बढ़ेंगे सिक्स चैप्टर में, तो यहां पर हम देखेंगे एक्सर्जी. थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर जाएंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, सेकेंड लॉ में क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तभी तो एंट्रोपी का कंसेप्ट आएगा. अब उस क्वालिटी को और रिफाइन करेंगे, एनर्जी की क्वालिटी को और रिफाइन करेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, एक्सर्जी में, जिसमें हम अवेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे. तो इरिवर्सिबिलिटी को हम फील करेंगे पीछे कि क्या होती है इरिवर्सिबिलिटी. देन आफ्टर हम यहां पर और उस वर्क को, उस अवेलेबल वर्क को, अवेलेबल एनर्जी को, हाई ग्रेड एनर्जी को और रिफाइंड करेंगे किस चैप्टर में, एक्सर्जी में.
Then seventh chapter, properties of pure substances. Properties of pure substances से पहले अगर आप देखना चाहो तो सेवेंथ चैप्टर में अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप देखना चाहो तो सेवेंथ चैप्टर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. पहले अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखो तो एंट्रोपी के बाद हमने क्या देखा था, एक्सर्जी, देन थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे, ये न्यूली एडेड टॉपिक है गेट में 2016 में ऐड किया गया इस टॉपिक को, जिसमें आप सबसे पहले क्या देखते हो, मैक्सवेल इक्वेशन. देन आफ्टर मैक्सवेल इक्वेशन के बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीपी सीवी टीडीएस इक्वेशन के एनालिसिस यहां पर देखेंगे. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन में मैक्सवेल इक्वेशन और क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर उसके बाद आप आते हैं कहां पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज कि जब आप थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स में एंटर करते हो, जैसे रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, तो वहां पर इस चैप्टर के ही दो साइकिल्स मिलते हैं. जैसे कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में इसका एप्लीकेशन क्या है, VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंप्लीटली प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर होता है. जैसे कि अभी हम लोग प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, थ्रू आउट द कंपाउंड में क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशंस आर होमोजेनियस, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. इट मींस कोई भी गिवन मास है, कोई भी गिवन मिक्सचर है या कंपाउंड है, कुछ भी है, जैसे सपोज कर लो वाटर एंड अल्कोहल, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, तो उनमें क्या होगा, आप अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी, बिकॉज वो मिक्स हो चुके हैं कंप्लीटली. लेकिन अगर एक एग्जांपल में लेता हूं, वाटर और ऑयल, ऑयल क्या होगा, वाटर के ऊपर रहेगा, लेकिन आप कहीं पे भी किसी भी मास में अगर कोई भी एक स्मॉल मास कहीं पे भी देखते हो तो वहां पर क्या केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, नहीं, क्योंकि ऑयल ऊपर है तो ऊपर का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है और अंदर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, तो उसे आप प्योर सब्सटेंस नहीं कहोगे. तो इस तरह के सब्सटेंस की एनालिसिस हम इस चैप्टर में करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में, जहां पर प्योर सब्सटेंस, एक एग्जांपल ले लो आप, जिसमें कि वाटर एंड वाटर वेपर, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर इज अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज कि कहीं पर भी जाओगे वाटर वेपर भी क्या है, H2O है, और वाटर भी क्या है, H2O है, तो उसमें थ्रू आउट पूरे मास में अगर कहीं पर भी आप केमिकल कंपोजिशन चेक करना चाहो तो उसका क्या होगा, H2O ही आना है, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस है. और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का एप्लीकेशन पोर्शन जो होता है, एक तो VCRS, ये आप RSE में रीड करोगे, और फिर आप एक और चैप्टर देखते हो, रैंकाइन साइकिल, ये क्या होती है, स्टीम पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट सब्जेक्ट में जब आप स्टीम पावर प्लांट की स्टडी करोगे तो वहां पर रैंकाइन साइकिल की स्टडी हमें करनी पड़ती है, और रैंकाइन साइकिल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर में वेरियस प्रॉपर्टीज निकालेंगे. अगर आप सोचते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में पहले इसको पढ़ ले, फिर इसको, तो ये एकदम रॉन्ग सिक्वेंस होगा. जो मैं सिक्वेंस बता रहा हूं, दिस सिक्वेंस इज वेरी गुड सीक्वेंस, और किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, स्टैंडर्ड बुक अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड बुक इसकी पीके नाग, इंडियन राइटर में अगर आप देखो तो पीके नाग की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, और अगर फॉरेन राइटर्स के बुक में जाओ तो संजल की बुक आप उठा सकते हो, जिसमें अगर उसमें जो सीक्वेंस दिया है आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, और इस सीक्वेंस से अगर जाओगे, मैंने जो सीक्वेंस बताया है ये भी सीक्वेंस बहुत ही अच्छी सीक्वेंस है, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को फील करते जाओगे. अगर आप थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में सीक्वेंस को ब्रेक करते हो तो एक दूसरे के बाद ही एक दूसरा
चैप्टर आता है जो दिया है, अगर आप कहीं से भी मान लो डायरेक्ट आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उठाया, तो चीजें अगर ऊपर की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की चीजें नहीं पता है, प्रॉपर्टीज नहीं पता है, और एनर्जी हीट वर्क अगर नहीं पता है, तो फिर आप कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझ पाओगे। तो सिक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में सिक्वेंस को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे, फिर आप उस सब्जेक्ट में उलझ के रह जाओगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, और उसके बाद आप परेशान हो जाओगे, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस की भी बात हम देखेंगे, जिसमें आइडियल गैस, रियल गैसेस, वेंडरवाल इक्वेशन, डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे, जो कि आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, और इससे भी कभी कभी गेट में एक क्वेश्चन मिल जाता है फ्रॉम दिस टॉपिक। सो ये टोटल एनालिसिस रही थर्मोडायनेमिक्स की।